देखिए दोस्तों, एक 24 इंच का एक एलईडी सेट हमारे पास रिपेयर के लिए आया है, जिसको हमने कर रखा है ओपन। और इस यह है इनोलक्स का, जिसका नंबर यहाँ पर मेंशन है V236BJ1P01। इसमें क्या रहा कि वाइट स्क्रीन है, आगे कुछ भी वीडियो इसमें नहीं आ रहा। और इसमें प्रॉब्लम की बात करें, कुछ टाइम वाइट स्क्रीन आ जाती है, कुछ टाइम पिक्चर भी बनता है, और कई बार बिल्कुल स्प्राइट ड्रॉप हो जाती है, मतलब हर स्प्राइट इसमें चली जाती है। तो खोल कर हमने ओपन किया, इस साइड में कुछ बिल्कुल कोने में हल्की फुल्की लाइनिंग भी है, जिससे काफ़ी डाउट हो, क्योंकि इसमें साइड कॉफ बिल्कुल नहीं है। पैन ओपन करने के बाद देखा कि इसमें कोई भी साइड कॉफ नहीं है, जो साइड कॉफ है वो डिजिटल माध्यम से लगा है। देखिए डिजिटल फॉर्म में लगा है, तो इस पर कोई भी बाईपास करना संभव नहीं है। तो अभी कॉफ पे जब हमने ध्यान किया, ये कॉफ बिल्कुल ओके है। इस साइड में लाइनिंग था, तो हमें इस साइड में डाउट, जो हमारी लेफ़्ट साइड की जो सोर्स कॉफ है, इसमें क्या था कि डाउट था इसको ख़राब होने का। लेकिन ये देखिए ध्यान से हमने देखा, बिल्कुल कोने में यहाँ पर बर्न है, जो हमें यहाँ पर दिखाई दिया। यदि ये बर्न बीच में होता या इस कोने पर होता तो सेट नहीं बन पाता। तो अभी ये बिल्कुल साइड में है, काफ़ी चांस है सेट के बनने के। पहले बर्न हिस्सा देखिए, क्योंकि हम कई बार कहते हैं कि एक साइड हम कट कर देते हैं, जैसे इस साइड में एक साइड हम कट कर देंगे, हल्का फुल्का गेट लाइन से अलग, जो गेट लाइन से बिल्कुल कोने में जाती है उसको कट कर सकते हैं। यदि साइड कॉफ नहीं है और दो कॉफ है, दो कॉफ में से एक की जो गेट लाइन से होती है, हम उसको आपको पता है कट करके चला देते हैं। जैसे 32 इंच पर काफ़ी वो प्रॉब्लम हमको देखने को मिलता है, इस केस में भी ऐसा ही है। यदि हम इस जो बर्न हिस्सा इसको कट कर देंगे, तो हमारा ये एलईडी ओके हो सकता है। तो पहले मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, इसको पहले मैं हम कट करते हैं किस तरह से। इसको जितना भी बर्न हिस्सा, इसको हमको उतारना पड़ेगा। उतारने के बाद जितनी इसमें हल्की फुल्की लाइनिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन सेट हमारा अच्छे से चल जाएगा। पहले मैं इस हिस्से को कट कर देता हूँ, फिर आपको आगे दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल कोने पे से जितना भी हिस्सा बर्न था वो कट हो चुका है। उसको कट करके दूर करने का ज़रूरी है, दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि यदि वो कटा हुआ हिस्सा दूसरे हिस्से से दोबारा से टच कर गया, तो फिर वो बर्न स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आगे फ्लक्चुएशन होगा, पिक्चर नहीं बनेगा। या तो वाइट स्क्रीन आएगा, या अभी सभी भी सप्लाई जो VGHV है पैन की, सभी सप्लाइयाँ ड्रॉप हो जाएंगी। इसलिए उसको कोशिश करें कट करके उसको दूर कर दें, ऐसा कर दें कि दोबारा से उससे टच ना हो। और इतना हिस्सा कट गया, इसमें लगभग 4 से 5 प्रिंट थे, जिससे हल्का फुल्का लाइनिंग हमको देखने को मिला, लेकिन सेट हमारा बन गया है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, कोने पर कट करने से बन गया। यदि मैं पहले ही बताया है, दोबारा से बता देता हूँ, बीच में होता, इस कोने पर होता तो सेट नहीं बनता। कोने की बिल्कुल लेफ्ट या बिल्कुल राइट कोने पे हो, गेट लेंस हो, यदि जल जाए तो उस कंडीशन में उसको काट के अलग कर सकते हैं। ये 4 से 5 प्रिंट तक ही वैलिड होता है, जितने प्रिंट आगे चलते जाएंगे उतनी लाइनिंग आएगा, उसकी वजह से हमको कॉफ़ी चेंज कराना पड़ेगा, ये सेट नहीं बन पाएगा। इसमें हल्की फुल्की लाइनिंग आई कोने में, उसका कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सेट हमारा देखने लायक है। मैं आपको एक बार इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए हायर लिखा हुआ आपके सामने आ गया, बिल्कुल सही है। सिर्फ हल्की हल्की लाइनिंग है कोने में, अभी इसमें नो सिग्नल है, तो एक बार मैं इसको सिग्नल दे देता हूँ। देखिए सिग्नल हमने दे दिया है, और ये देखिए पिक्चर भी आ गया है, जैसा देख ही पा रहे हैं पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी इसमें क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं पड़ा। और सिर्फ एक कोने में देखिए यहाँ पर कुछ जाली बनी है, जिसका कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल साइड में है, इससे पिक्चर में कोई भी रुकावट नहीं आ रहा। और ये जाली आई है आपको पता ही है, क्योंकि हमने एक कोने से देखिए कॉफ को कट किया है, हल्का सा कट किया है, जिसमें 4 से 5 प्रिंट गए हैं, उसी की वजह से लाइनिंग आई है। बाकी पिक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर चल रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इसी तरह वीडियो में डालते रहते हूँ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।